लो ये आपका जैसे मान लो स्लैब डलवाना है, तो स्लैब डलवाने में ये रहता है कि आपका जो स्टील डलता है या छड़ें डलती हैं उसमें ये रहता है कि आप 10 mm की छड़ लेते हैं या 12 mm की छड़ लेते हैं। मान लो आपका एरिया जो रूम का एरिया है वो आपका 12 बाई 10 है या 15 बाई 10 है या 12 बाई 12 है, इस टाइप के अगर रूम के लिए है। और खाली रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ मैं, कॉमर्शियल की बात नहीं कर रहा, कॉमर्शियल में बहुत अदर फैक्टर भी हो जाते हैं। तो रेजिडेंशियल के लिए आप अगर इसमें लेते हैं तो 10 या 12 mm की छड़ लेना पड़ती है और 6 से 8 mm की स्पेसिंग, 6 से 8 इंच की स्पेसिंग चलती है उसमें, इतना चल जाता है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि 12 mm की छड़ तो देना ही है, ऊपर और नीचे शॉर्टर स्पान और लॉन्गर स्पान में दोनों में 12 mm की छड़ लेना, ऊपर से उसमें 4 4 इंच की स्पेसिंग करवा देना है उसमें। तो ये ओवर रिइंफोर्समेंट कहलाता है। अब ओवर रिइंफोर्समेंट में ये दिक्कत रहेगी कि ये जो कंक्रीट होता है आपका, तो कंक्रीट और छड़ का मिक्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर मान लो गर्मियों में है जैसे, तो गर्मियों में ये फैलता है, दोनों चीजें फैलती हैं, जैसे एक ये छड़ भी फैलेगी और कंक्रीट भी फैलेगा। तो अगर मान लो प्रॉपर रेशियो है आपका तो ये दोनों चीजें एक साथ फैलेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी। और मान लो क्या है कि आपने छड़ ज्यादा डाल रखी है और कंक्रीट आपका 4 इंची या 5 इंची भी है, चलो ठीक है इतने में, तो जो लोहा होगा आप गर्मियों में एक्सपांड तो होगा ही होगा, आपका ये फैलाव होता है इसमें सबसे ज्यादा स्लैब में। और जो उन छत वाली स्लैब होती है उसमें फैलाव के लिए ऐसा नहीं रहता है कि भाई बीच बीच में ज्वाइंट्स दे दें, वो एक साथ पड़ती है स्लैब। तो उस कंडीशन में ये रहता है कि कंक्रीट तो ये छाने तो अच्छी तेजी से फैल गई लेकिन कंक्रीट नहीं फैल पाया, तो उस कंडीशन में ये रहता है कि जगह जगह क्रैक आ जाते हैं, छोटे छोटे क्रैक आते हैं, ये बड़ा क्रैक है लेकिन छोटे छोटे क्रैक आते हैं, तो उनसे वो अपने को दिखाई नहीं देते नॉर्मली। ये मैंने दिखाने के लिए आपको बनाया हुआ है, वो क्रैक दिखाई नहीं देते, जगह जगह से क्रैक आते हैं और वो अपने को दिखाई नहीं देते। और उसमें से जब बारिश होगी तो जाहिर सी बात है क्रैक है तो पानी लीक होगा, अब पानी लीक होगा वो बारिश के टाइम पे पता चलेगा कि हाँ क्रैक है पानी लीक हो रहा है, लेकिन अदर टाइम में भी क्या उसमें जो हवा होती है उसमें नमी रहती है, वो नमी अंदर स्लैब के जाएगी और सीधा छड़ों पे वो जंग लगेगा। अब वो जंग लगेगा छड़ में तो छड़ बेकार हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, स्लैब टूट के गिर जाएगा, ये प्रॉब्लम आएगी सबसे बड़ी।